भूल रो कथा कहुछ तमे को भूल ओ ओ बुझिली मो मा को एते वर्ष धरि अत्याचार करिबा मो मा को गोटिए घरे बंदी करि रखिबा मो मा को जीवन रे केबे भी पूजा मंडप को न छाड़िबा मो मा को तापला बजेबा को न देबा मो मा को संगीत दुनिया रो पूरा पूरी दूरे रखितिला उठिक सेई भली आ उठिक सेई भली दाथोई भली झियोटा को भी एकदम चुप आउ पदे भी कथा कहिबुनी रागिणी आउ जदि पदे भी किछि कहिबु ना ताले गळा धक्का दे बाहर कर देबी तथा घरु मु तू मते जानिछु दी जन को गोला धक्का दे बाहर कर देबी रास्ता को न खाई न पी मरिब स्वामी स्त्री दुहे मिसिकी भूली जानि जे जे मो दयारु तमे दुहे ए घरे पड़ी रहिछ इति अहंकार इति अहंकार बड़ भाई ते अहंकार किंतु जमारु भी भल नुह कथारे अछि अति दर्पे हत लंका सर्वनाश हे जीव भाई सर्वनाश हे जीव सर्वनाश हे जीव माने सर्वनाश भाई सर्वनाश आउ से सर्वनाश रो ना होछि ताथोई सेहिटा तमे जानि परिबो कोनोसी सर्वनाश होबनि मो कहूछि तते मो परिवार रो कोनोसी सर्वनाश होबनि आउ जदि किछि विपद आसे ताहले ता सामना रे पाचेरी भली छिड़ा हे रहिबो एई झियोटा जमुना अर्जा तम बापा मा कहउछन्ति जे रथ दिन तम बाहघर करिबा को जदिओ रथ दिन बाहागर हुए नि तथापि मो मानि नउछि तमे कहुछ जे तम दिजनकर बाहागर हेइछि तथापि मु आउ थरे बाहागर करिबि सेटा धर्म अनुसारे शास्त्र अनुसारे करा हबो तम सांगरे रकिर बाहागर हबो कथाटा मन रखी जमुना हाँ बाबा जीवन बाबू बहुत समय हलने आसले देखा है ची? अब ना बाबा मुझ जाऊ थी ली जा बड़ा पैसे एबे कौन हबो मु तो रकिर स्त्री नुहे मु जानिनी रकि कौन खाइबा को भल पाए घनिष्ठ मुहूर्त अंतरंग कथा केमिति कहे मु किछि भी जानिनी मु रकि बिषय किछि भी जानिनी केवल इति केही जानिछि मु आउ रकि से जमुना को शेष कर देबा को चाहुछु हबो त शेष शेष त हबो जमुना तमे गोटे काम कल तमे गोटे फोन कर तमे फोन करी भूषण आउ काली को रथ यात्रा दिन एठिकी डाकिले पीबाकू दौनु सेते बे उडे देखु छी बजै चल छु अरे बाबा एते जोर रे बजौ छु मुंडोटा मोर पूरा खराब हे गलाणी कोन आउ करिब कहिलो
ढोल न बजे बजे तो हाथ बधिरा भूषण भाई अरे गोटे बईना मिली जो बेले अरे बाबा दी पांच हजार हाथ को मिल जब ना हेलो आर्जिया कहूँ तमें रथ यात्रा दिन कटक पलैस काली ढुलिया को नहीं दरकार सेटा आसिले सब जानी पारिबो तमे रथ यात्रा दिन एठिके चली आसिबो रथ यात्रा दिन प्रभु जगन्नाथ देवंकर रथर डौड़ी टाणी आशीर्वाद नहीं जमुना एथर तू फसीगलु ना एथर कहीं तते रक्षा करी परिबे नहीं रथ यात्रा दिन रथ चक तले तते चकटी देवी लो ए काली अरे बजारे ढाकू 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 रथ चक तले दड़ी किए दड़ी हम आम घर रथ अत्यंत पवित्र आठिक समस्त खुशी हाँ जगन्नाथ देव कृपा रथ जा धूमधाम पालन हुए कि तमें चाहू कौन है जो भी अच कहीं उत्तर दि तू कहा संगे एमती कथा हो भूली जानी सी ए घर बहु बड़ पिसी सी जदि ए घर बहु हेइथाय तले मु भी ए घर झी सी पुनी की सर्वनाश करबा चाहू छथि मु पुनी कोन सर्वनाश कर देली बारंबार से एत करू छ तमे ए श्री ए पल्लवी तमो मानकर सतरे आज कलि बहुत मुह हे गलानी ताता हबो बड़ पिसी सी सी कौन करबा को चाहू छथि कहला रथ यात्रा रे कौन हबो आ कहा को रथ चक तले दळी मारिबो किए चकटी मारिब कौन सब इड़ू सेड़ू कथा कहुचु भूल सुनीचु भूल सुनीचु भूल सुनीचु अर्जी आस चल आस पल्लवी संगीत भाई को एक कथा जणैबो को हां जा चल संगीत भाई अरे कौन है जी कुआरे जाछु आमे एकखणी सुनिलु अर्जी बाजो कहा को फोन रे कहुतले रथ चक तले कहा को दळी देबे कौन कौन कहुचु तू हाँ स्पष्ट सुनिचु मु आ श्री दी जण सुनिचु चापी दो आर्जा कोन तुमको कहनी जे से किए पचारिचु बारंबार तंको पचारिलु किछि उत्तर पाइलुनी अ
ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନା ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବେନି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରଥ ଦିନ ତ ତାର ବାହାଘର। ଜାଣିନି ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ, ମନେ ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯମୁନା କୋଉଠି ଅଛି? ଜୀବନ କାକା ଆସିଛନ୍ତି, ରଥ କେମିତି ସଜା ହବ, ବଡ ବାପା ତ ରଥର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯମୁନା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ବାବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏଇଠି ଥାଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯମୁନା! କିନ୍ତୁ ଯମୁନା, କାହାକୁ ମାରିବା କଥା କହୁଥିଲେ? ଘରେ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହବ, ଆଉ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଉଜ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଜାଣିନି, ମତେ କାହିଁକି ଜାଣି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ କେହି ମାନେ ତାଥୋଇ, ସେ ତାଥୋଇ ନାମକ ଝିଅଟା। ଯମୁନା, ଯମୁନା! ବାବା, ଏତେବେଳକୁ ଆସିବା ସମୟ ହେଲା, କଣ କରିବି କହିଲ? ଅଫିସରେ ନୂଆ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛି, ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ କାମିକା ହେଇଯାଇଛ ତମେ, ତମ କାମ ନା ମତେ ଜଣା ଅଛି, ଦଶ ଥର ତ ମତେ ଫୋନ କରୁଛ। କଣ କରିବି କହିଲ ମ୍ୟାଡାମ, ତମକୁ ତ ଫୋନ ନ କରିଲେ ମୁଁ ରହିପାରେନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ଗୋଟାଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡ଼େ ଏଥର ରଥର ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମେ ନେଇଛ। ହଁ, ଏଇ ଘରେ କେତେ ବଡ଼ ରଥ, ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାନ ବାବୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ରାଇ ଥିଲା, ସେ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥ ବାହାରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ରେ ପଶି ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଛି, ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଛି ମୁଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଶୁଘର ପାଇବି ମୁଁ, ଆଉ ଏଠୁ ବି ରଥ ବାହାରିବ, ଏତେ ବଡ଼ ରଥ। ରଥର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ତମେ ବହୁତ ସରଳ ଯମୁନା, ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ସହଜରେ କହିଦେଲ। ସାନ ବାବୁ, ଏସବୁ ତ ସତ କଥା, ସତ କଥା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲୁ, ଦିଓଳି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ବି ଜୁଟୁନଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାବା, ବାବା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଥିଲେ ମୋର କୁଆଡ଼େ ରାଜା ଘରେ ବାହାଘର ହବ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ହେଲା। ସତରେ ତ ମୋର ରାଜା ଘରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। ସତରେ? ଏଇ ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ମୋ ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ରାଣୀ? ମୋ ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋର କ'ଣ, ମୋ ରାଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବି, ଆଉ ସବୁବେଳେ।
जिते खुशी भल पा जमुना जिते खुशी प्रेम कर दुई दिन करे रथ दौड़ी धरी टाणी भी तू आ रथ चक तले चकटे हई मरबू भी तू जमुना ढोलिया हेलो हाँ कहतु रासबिहार बाबू कहतु अच्छा व्हाट कौन कहते आप रासबिहार बाबू ना ना माने 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 सही जमी रे आम पजेसन नहीं पारानी बट व्हाय मु तो बुझी पारुनी जे एटा तो संपूर्ण रूपे जितबा केस थिला आम केमिति हारी गलु मु तो किछि बुझी पारुनी हाँ ना 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 तमने ये जमीटा आम हाथ खसीगला केमिति खसीगला ना ना आंसर मी आप चुप रुहतुनि कहतु केमिति हेलो हेलो रासबिहार बाबू कौन है जी कहीं कितनी उत्तेजित हो चुके कौन है जी कुछ बुझी पाने में सोनपुर के जमी को नहीं कि मुकदमा चली थी ला से मुकदमा टा अमे हरी गलो प्राय 90 लाख टंका रा प्रॉपर्टी हाथों छोड़ा ही गला अनुरोध है 90 लाख टंका रा गोटे प्रॉपर्टी कौन कहो चाहिए तमे हाँ ठीक कहो चुकी तो किंतु मैं आदम बुझी पाने गोटे जीती थी केस अमे केमिति हरी गलो गोटे जितबा केस संपूर्ण जितबा केस आमे केमिति हारी गलु केमिति ठीक शांत हो प्लीज केमिति शांत हेबी अनुराधा केमिति शांत हेबी गोटे संपूर्ण जितबा केस अनुराधा गोटे संपूर्ण जितबा केस मोर जितबार थिला से जितबा केसटा मो हारी गली एबे 90 लाख टका अनुराधा 90 लाख टका प्रॉपर्टी हाथ चढ़ाई गला 90 लाख रुपीस नॉट ए मैटर ऑफ जोक बड़ भाई तमे शांत हो कि कुह कौन है जी को समस्या खोली कि कुह सुनी परलुनी केसटा मो हारी गली रागिणी हारी गली 90 लाख टंका 90 लाख टंका रे गुटे प्रॉपर्टी हेलो हाँ कौन तो हाँ कौन कहते आपण कौन कहते मु किछि बुझी पारुनी अरे आपण को मुंडो खराब हो गले ना कौन हाँ कौन कहते हेलो कौन है ला गोटे बड़ टेंडर आम हाथ छोड़ा हो गला अनुराधा हाँ जो टेंडर टा प्रति वर्ष आमको मिले वर्षर कोटी कोटी टंकार काम हो जाए ये पुनी की कथा कौन हो जे सब कहिला मु बुझी पारनी अनुराधा गोटे दिन रे एमिति दीटा घटना ये केमिति हला ना ना मते खोजी बाहर करबा को पड़िबो रखे रखे प्रशांत बड़ बापा कौन है रखे गाड़ी बाहर कर मुझे जी तमें पुनी कुआडे जीवो ना ना तमें उत्तेजित है कि अच्छा तमें अवस्था कुआडे जाने तमें बुझी पार ना अनुराधा तमें जमा बुझी पारू ना गोटी दिन तो दीटा दुसंवाद मते मते बाहर जीवा को पड़िबो एक क्षण मते बा हेलो हाँ कहतु हाँ कौन कहते आप ऑफिस रे कोन समस्त को मुंडो खराब हो जाई छी ना कोन आपण माने पागल हो गलेनी आपण माने पौनी कोन है ना बड़ भाई बड़ भाई बड़ बाबा तमे आयो बड़ भाई जी कोन हो छी कहला बड़ भाई कौन हो जी तमरा कौन हो जी अनुराधा तो बड़रामपुर रे जो गोटाए बड़ जमी थिला से जो बड़ जमीटा नु से जमीटा भी चली गला अनुराधा सतरे ने कौन केमिति केमिति तो इटा तमें बुझी बनी अनुराधा कौनसी निश्चय के ही गोटे अच्छी आप चरे ये सब कौन हो जी तमें सब कौन हो जी प्रभु तमें कहीं की मिट्टी कौन जो प्रभु तमर कौन दया करने लग जा हाँ तमर दया करने लग जा ऐ ऐ
बड़ भाई कौन है तुम एमिति होचो काहे की बलरामपुर जमी सोनपुर रो जमी आउ से बड़ टेंडर टा गोटी गोटी करी सब गला केदार राय एथर आपण जानिबे केते धानरी केते चाउल अछि हां धनरी प्राणरी मारिबे आपणको धनरी प्राणरी मारिबे तापरे आपण निजे दिने असि मो सामनेरे बसि आंठ मणि बसि मते क्षमा मागिबे आपण प्रायश्चित करबाकु आसिबे निजर निजर करिबार अन्यायर प्रायश्चित करबाकु आसिबे आपण आ से दिन मु आपणकु क्षमा करिबि केदार राय सेइ दिन मु आपणकु क्षमा करिबि जानि छथि सेइ दिन न मु मोर मोर से पोषकट बाहर करिबि से पोषकट जहाकु मु पिंदी प्रथम थर नाचि थिलि मु जहाकु पिते प्रोग्राम करि थिलि पचारि बुझिबि आपणकु पचारिबी आपणकु मु मु कि मु कि अन्याय करितली मु कि अन्याय करितली मते एते दण्ड भोगिबाकु पडिला